भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। मैं देख रहा हूँ कईयों को नींद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ, पूरा दिन हो गया आप लोगों को, पर मैं मुझे लगता है एकदम समय पे आ गया। अभी जो सारे प्रस्ताव पढ़े गए वो सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत पूरा दिन में काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई हैं, काफ़ी विषयों पर आप लोगों ने गौर किया है। एक अच्छी बात यह है कि 3-4 साल पहले तक जब हम इस तरह से विषयों पे बात किया करते थे, इस किस्म के प्रस्ताव आते थे, तो वो थोड़े थ्योरेटिकल होते थे। हम में से बहुत सारे लोग किसी न किसी एनजीओ में काम किया करते थे, हमारे में से बहुत सारे लोग किसी आंदोलन से जुड़े होते थे, तो उसके बेसिस पे हम लोग मांग कर लेते थे। और मांग तो कुछ भी कर लो, जब करना नहीं है करना दूसरे ने है, तो मांग तो कुछ भी कर लो। लेकिन आज जब हम लोग इस तरह के प्रस्ताव पारित करते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ करते हैं, क्योंकि अब हमारी सरकार है और इनमें से कई सारी चीज़ें हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं, तो वो जिम्मेदारी के साथ करते हैं। और जो कहते हैं वो एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जहाँ हमें मौका मिला है वहाँ पे करके दिखा रहे हैं, और अगर भविष्य में कहीं मौका मिलेगा तो बाकी चीज़ें भी करके दिखाएंगे, हम दिखाने की ताकत रखते हैं। आज मैं सोच रहा था यहाँ आने के पहले कि जब भी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है 26 नवंबर जब हम मनाते हैं, तो फिर वो पुरानी सारी यादें याद आ जाती हैं कि किस तरह से आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद पार्टी बनानी पड़ी। और 2014 और 15 में इस देश ने दो सरकारों को बड़ा भारी बहुमत दिया था। एक केंद्र की भाजपा सरकार जिसको 2014 में खूब जम के जनता ने दिल खोल के बहुमत दिया था, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते थे। और 2015 फरवरी में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को खूब जम के बहुमत दिया था, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते थे। तो जनता ने तो अपना काम कर दिया था, और जनता की उम्मीद थी कि अब ये दोनों सरकारें, कि भाजपा की केंद्र सरकार देश में कुछ करके दिखाएगी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कुछ करके दिखाएगी, बड़ी उम्मीद थी लोगों को। और आज 2.5 से 3 साल के बाद, उनको 3 साल हो गए, अपने को 2.5-3 साल हो गए, उनके 3 साल के बाद अगर कोई भी क्षेत्र उठा लो, हर क्षेत्र के अंदर केंद्र की भाजपा सरकार फेल रही है। आज मतलब बहुत चैरिटेबल अगर कहा जाए तो लोग डिसअपॉइंटेड हैं, और जो लोग उनके क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि बहुत गुस्से में हैं लोग उनके खिलाफ। आज उनसे किसान दुखी है, आज उनसे युवा दुखी है, माइनॉरिटीज़ दुखी हैं, दलित दुखी है, व्यापारी दुखी है, गृहिणी दुखी है, हर आदमी दुखी है उन लोगों से। लेकिन साथ में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि ये हम नहीं कह रहे, आप दिल्ली में किसी से भी पूछ लीजिए कि 2.5 से 3.25 साल की सरकार के 2.5-3 साल के बाद आज आप लोगों की जो सरकार है उससे जनता बहुत खुश है, और हर तबका खुश है। दिल्ली का स्टूडेंट खुश है, दिल्ली के व्यापारी खुश हैं, उनके टैक्स कम कर दिए, दिल्ली के आम जनता खुश है, गरीब लोग इसलिए खुश हैं उनके बच्चों के सरकारी स्कूल में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, तो सारे हर तबका खुश है, हर तबके के लिए कुछ ना कुछ किया, और 2.5 से 3.25 साल के अंदर हम लोगों ने किया। जिन परिस्थितियों के अंदर ये सब किया, मुझे नहीं लगता आज़ादी के बाद ऐसी कोई भी देश में सरकार रही होगी कि जीरो पावर, आज बिल्कुल कोई पावर नहीं है हम लोगों की दिल्ली सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री होते हुए, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अतिशोक्ति नहीं कर रहा, अपना चपरासी मैं अपॉइंट नहीं कर सकता, सारी पावर हम लोगों की छीन ली गई है। सबसे पहले हमसे, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था जब हमारी सरकार बनी, करप्शन का, कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे।
49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन की सरकार एक तरह से एक फिल्म की तरह थी जो 49 दिन लोगों ने देखे। लोग कहते हैं जी यकीन नहीं होता कि ऐसे 49 दिन हो सकते हैं। वो जो सरकार देखी, एकदम पूरे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ट्रैफिक पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, कहीं जाते थे सब कुछ ठीक मिलने लग गया लोगों को, वो 49 दिन के अंदर जो एक डर पैदा हो गया था पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब सरकार बदल गई है। लोग बताते हैं वो जो 49 दिन में इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, जैसे हमारी 49 दिन की सरकार गई थी तो वो पुलिस वालों ने पिछले भी लिए थे, बोले अब बुला के लाते रहे केजरीवाल को। तो लोगों ने ठान ली भाई केजरीवाल को वापस लाना इनको सबक सिखाने के लिए। तो वो जो 49 दिन में हमारा जज्बा था वो एक ही चीज़ की वजह से था, हमारे पास हमारी एंटी करप्शन ब्रांच थी। उस एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए हमने ऐसा जीरो टॉलरेंस पैदा कर दिया था, कहीं कोई भ्रष्टाचार करता हुआ मिले पकड़ के जेल में डाल दो। मेरे ख्याल से 35 या 40 कर्मचारियों को 49 दिन में जेल में डाला गया, तो एक दहशत पैदा हो गई थी कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही अगली बार हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई, इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली सबसे पहले कि कुंद कर दो, इनका जो सबसे मेन एजेंडा है वो ही छीन लो इनसे। हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली इन्होंने और इनको ये लगा कि अब ये ख़त्म है। लेकिन उसके बाद भी फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर सर्विसेज छीन ली गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग छीन ली गई, एक एक करके सारी पावर छीन ली गई। लेकिन एक चीज़ वो हमारी नहीं छीन पाई, वो है हमारा जज्बा। इसका उदाहरण मैं एक छोटा सा देना चाहता हूँ। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पूरी दुनिया में फेमस हुए मोहल्ला क्लिनिक, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, वॉशिंगटन पोस्ट में छपी, इसके लंदन में छपी, फ्रांस में छपी, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में। कोफी अन्नान जो यूएन सेक्रेटरी जनरल था पहले, उसने चिट्ठी लिखी हमारी सरकार को कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक फेमस हुए, तो इनको लगा भाई अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। तो एलजी ने कहा भाई मेरी अप्रूवल नहीं ली तुम लोगों ने, हमने फाइल भेज दी, हमने कहा अप्रूवल दे देंगे एलजी साहब। एक साल तक, पिछले साल नवंबर में भेजी थी फाइल एलजी साहब को, इस बार का नवंबर आ गया, एलजी साहब ने अप्रूवल नहीं दी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फाइल होती रही। फिर अल्टीमेटली ये विधायक बैठे हैं ना, ये सारे के सारे अपने विधायक एक दिन जाके एलजी साहब के घर में बैठ गए, बोले जी या तो फाइल क्लियर करो नहीं तो अब यहीं खाएंगे यहीं। नहीं ऐसा ही कर रहा था तुम लोग, ऐसा ही था, ये सारे गए थे यहाँ बैठे हैं जितने, बोले जी अब फाइल लेके जाएंगे हम साथ में, साइन करवा के लेके जाएंगे, हमको नहीं पता। तो एलजी साहब कुछ सिखाने लग गए, वो मुख्यमंत्री ने बोले जी मुख्यमंत्री को भी तो आप ही का मुख्यमंत्री है, उसको यहीं बुला लो, पूरी कैबिनेट को यहीं बुला लो, आज फाइल क्लियर करा के जाएंगे। और दो दिन में फाइल क्लियर हो गई। तो वो हमारा जज्बा नहीं, कानून नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कानूनी पावर नहीं है, लेकिन हम तो जमीन के आदमी हैं, सड़क के आदमी हैं, अगर ऐसे नहीं करोगे तो वैसे भी काम कराने आते हैं, जब पावर नहीं थी तब करा लिया करते थे, अब तो फिर भी थोड़ी बहुत तो पावर है, नाम तो है कम से कम मुख्यमंत्री है, इसी बात पे करा लेते हैं। तो कई सारे काम किए। आज एक चीज़ तो है, जब हम सरकार में नहीं थे कई सारी चीज़ें ऐसा लगा करती थी यार, हम मांग तो करते हैं भाई सरकारी स्कूल ठीक करो, सरकारी अस्पताल ठीक करो, ये करो वो करो, राशन की दुकानें ठीक करो, फिर भी मन में आता था यार ये इतने 70 साल से ये लगे पड़े हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, कुछ तो होता होगा बेचारे कर नहीं पा रहे। लेकिन अब 2.5 साल सरकार में रहने के बाद एक चीज़ साफ हो गई कि कर तो सकते हैं यार, नीयत ही खराब थी इन लोगों की, करना ही नहीं चाहते थे ये लोग। जब हमने 2.5 साल में इतने काम कर दिए बिना पावर के कर दिए, आज सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया अपना, अभी हियरिंग चल रही है वहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाला अपने साथ है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर ये एंटी करप्शन ब्रांच वापस आ गई ना तो वही जलवा दिखा देंगे 49 दिन वाला जो।
एक और घटना सुनाना चाहता हूँ, ये वो संजीव झा बैठा है उसको देख के याद आ गई। ये सीसीटीवी कैमरे पास नहीं कर रहे थे, एक साल हो गया वो भी फाइल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रखी है। एक तो ये करते नहीं है और फिर बाहर जाके कहते हैं ये आम आदमी पार्टी फेल हो गई, कैमरे ये नहीं बताते, हमारे एलजी को कह के हमने अपनी फाइल रोक रखी है। फिर ये सारे विधायक चले गए चीफ सेक्रेटरी के पास, बोले जी आज तो करा के ही जाएंगे, तो वो भी क्लियर हो गए। अब टेंडर वेंडर होने वाले हैं सीसीटीवी कैमरे के। आंदोलन ही काम आ रहा है वो। पहले बाहर आंदोलन किया करते थे, अब सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के कई बार अपने अफसरों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है, कई बार एलजी साहब के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये टीस होती है कि मैं पहले भी यही कहा था करता था, इस देश के अंदर सब कुछ है, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, इतना टैलेंट है, इतना स्किल है, सब कुछ है इस देश के अंदर। एक ही चीज़ की खराबी है, अगर इस देश की राजनीति बहुत ख़राब है, अगर यह राजनीति अच्छी होती तो ये देश पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता। अब भाई दिल्ली में 67 सीट मिल गई, तुम चुनाव हार गए, अब काम करने दो। क्यों नहीं काम करने देते, 5 साल काम कर, नहीं काम नहीं करने देंगे तुमको। ये गंदी राजनीति जो है ना, ये इस देश को खाए जा रही है कि चाहे सरकार किसी की भी बन जाए, दूसरे लोग उसकी टांग खींचेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, उसको बर्बाद करेंगे, जनता को बर्बाद करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। और कई बार ये दुख होता है, दो चीज़ें हमारी फाउंडेशन थी इस पूरे आंदोलन की, वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। एक था जन लोकपाल और दूसरा था स्वराज। क्योंकि हमारी पावर नहीं है, जन लोकपाल बिल पास कर दिया, जो कानून रामलीला मैदान में जिस कानून को लेकर लड़े थे वही कानून पास कर दिया, अब ये केंद्र सरकार लेके बैठ गई। भाई जन लोकपाल बिल दिल्ली में अगर लागू हो गया तो हम ही फंसेंगे ना, हमने अपने ही खिलाफ तो करा है, तुमको थोड़ी कर रहे हैं। हमारे एमएलए फंसेंगे, हमारे काउंसलर फंसेंगे, हमारा मुख्यमंत्री फंसेगा, हमारा मंत्री फंसेगा, हमारे अफसर पास कर दो तुम लोग, तुमको तो अच्छा है, क्यों नहीं करते? नहीं करते क्योंकि दिल्ली में अगर हो गया तो फिर आवाज़ पूरे देश के अंदर उठेगी कि यहाँ भी पास करो। तो हमारा लोकपाल बिल पास नहीं करा। वो स्वराज वाला आया, वो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने कहा कि अगर कर भी दिया ये उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो अगर एक पूरी ताकत होती आज दिल्ली के अंदर तो इनको दिखा देते। आप सब लोगों से मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद मुलाकात होती है, देश के कोने कोने से आप लोग आए हुए हैं। 26 नवंबर को भी आप सब लोग ज़रूर आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। उस दिन बड़े स्तर के ऊपर अपना फाउंडेशन डे हम सब लोग मिलके मनाएंगे। ये पार्टी वॉलंटियर्स की पार्टी है। वॉलंटियर्स ना केवल चुनाव के पहले काम करते हैं, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद आज सरकार के अंदर जिस तरह से सेवा भाव से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, एजुकेशन के अंदर लगे हुए हैं, हेल्थ के अंदर लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर लगे हुए हैं। मैं कल परसों दिवाली मिलन था कहीं पे, वहाँ भी यही कह रहा था कि ये जो अपा हम लोग राजनीति में क्यों आए थे, हम सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम पद के लिए नहीं आए थे, हम लोग आए थे सेवा करने के लिए कि समाज की सेवा करेंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। अब ये जो 5 साल दिल्ली के अंदर मिले हैं ये अपने को सेवा करने के बहुत मौके दे रहे हैं, खूब मौके मिल रहे हैं अपने को सेवा करने के, इन मौक़ों को नहीं छोड़ना। जैसे अभी कुछ दिन के बाद मनीष जी एक स्कीम लाने जा रहे हैं दिल्ली में कि भाई जितने अपने दिल्ली में, आपको पता है पूरे देश में ये नो डिटेंशन पॉलिसी इन्होंने लगा दी, 8वीं क्लास तक बच्चों के पेपर नहीं लेते, फिर वो जब 9वीं में 10वीं में आते हैं तो वो बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं उन्होंने कभी पेपर दिए ही नहीं, वो सारे फेल होते हैं। तो अभी जैसे 60,000 बच्चे पिछली बार हमारे दिल्ली के 10वीं क्लास के फेल हो गए, अब हम ये कह रहे हैं भाई एक एक आदमी 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी ले लो कि मैं इनको 10 बच्चों को पास करवा के छोड़ूंगा। तो जैसे आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हो ना बिठा के शाम को कि बेटा बैठ के पढ़, ऐसे उन 10 बच्चों की जिम्मेदारी ले लो कि दूसरे तीसरे दिन उनको शाम को बिठा के या स्कूल जाके या सैटरडे संडे को बिठा के, और इन 10 बच्चों को मैं पास करा के छोड़ूंगा साल के अंत में, ये जिम्मेदारी ले लो। मैं बता रहा हूँ बहुत पुण्य होएगा, सीधे स्वर्ग जाओगे सारे के सारे। और इसी तरह से हेल्थ के अंदर, जैसे हम जितना मर्जी सुधार कर लें, ऊपर से ऑर्डर देते हैं, सचिवालय से ऑर्डर देते हैं, कई ऑर्डर तो नीचे तक लागू ही नहीं हो पाते। तो अगर कुछ वॉलंटियर्स अब हम लगा रहे हैं हर अस्पताल के अंदर, हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर,
जो एक वॉलंटियर एक अस्पताल का राउंड लेके आया करेगा और वो हमें फीडबैक दिया करेगा कि इस अस्पताल में क्या गड़बड़ है, यहाँ की टूटी नहीं काम कर रही जी, यहाँ का टॉयलेट काम नहीं, सफाई नहीं हुई जी, ये वो फीडबैक देगा और वो वहाँ पे ठीक कराएगा, उसको उसको पावर दे देंगे, वो उस अस्पताल में उसको ठीक कराएगा। तो अगर वहाँ पे अगर किसी मरीज को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मदद की ज़रूरत है, वो उसकी मदद करेगा। तो अगर मरीजों की मदद करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है ये जिस तरह से वॉलंटियर्स चुनाव के पहले तो मदद करते ही हैं, चुनाव के बाद जब हम जीत जाते हैं तो हमें सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर ऊपर वाले ने दिया है दिल्ली सरकार के तौर पे। सब लोग इसमें भी खूब हमारी सब लोग मिलके मदद करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली को और उसके बाद दिल्ली को आज पूरा देश देख रहा है, क्योंकि एक नई किस्म की राजनीति हमने तैयार की। लोग कहते थे पैसे के बिना चुनाव नहीं लड़े जा सकते, दो नंबर के बिना चुनाव, एक नंबर के पैसे से, ईमानदारी से, कम पैसे में चुनाव लड़ के दिखाए, चुनाव जीत के दिखाए, सरकार बना के दिखाई। इसका मतलब हो सकता है, ईमानदारी से राजनीति की जा सकती है, ये हमने साबित कर दिया देश के अंदर। तो अब बाकी राज्यों के अंदर भी ये दिल्ली से जो ऊर्जा निकली है वो धीरे धीरे सारे देश के अंदर फैलेगी, कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और कहीं उनको सुधरने के लिए हम बाध्य करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस वालों तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुमको तुम्हारी खैर नहीं है। तो आप लोग राजनीति भी बदल रहे हो, आप लोग जनता की सेवा कर रहे हो, मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलके इसी तरह से देश की सेवा करते रहें, ऊपर वाला हमारा मार्गदर्शन करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।